एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग है आपकी डेस्टिनी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी, जिसे हम किस्मत भी बोलते हैं, भाग्य भी बोलते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हमारी किस्मत कैसी है और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, जो कि अच्छे भी हो सकते हैं, जो कि बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइफ हमेशा एक जैसे नहीं चलती है, कभी बहुत अच्छी होती है, कभी खराब होती है, कभी नॉर्मल सी होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ एंड आप लोगों को ये यहाँ पर दो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कार्ड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं रीडिंग को, मतलब जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जो भी इमेज ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करके रीडिंग को देख सकते हैं। इन केस आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है दोनों कार्ड्स में से कौन से कार्ड आपको अट्रैक्ट करती है, इन दैट केस आप लोग अपने लिए डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो ये वाले कार्ड है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आती है किसी भी मंथ के, आप लोग ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। ठीक है ना, एंड फॉर ऑप्शन नंबर 2 दिस इज द कार्ड। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 से 31 के बीच में, देन आप लोग ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, जब आप सेलेक्ट कर लेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प मिलेगी, क्लिक करके सीधे आप अपनी रीडिंग तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ कुछ मैसेज रेजोनेट हो भी सकती है, रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी रीडिंग आपको आपकी पर्सनल रीडिंग्स जैसी लगेगी। ठीक है, कभी कभी आपको फील होगा कि कुछ मैसेज रेजोनेट हुई है, कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि रेजोनेट नहीं हो रही है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है, आपको अपनी विजडम का इस्तेमाल करना है और देखना है जो भी आपके साथ रेजोनेट होती है वो आपके लिए है मैसेजेस। ओके, एंड ध्यान रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने चाहे किसी भी मंथ किसी भी ईयर आइए, आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं बिना किसी डाउट के। ओके, यानी कि टाइम के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये पहले अपलोड हुई थी, अभी मेरे सामने आई है, तो हो सकता है उस टाइम पे आपके लिए कुछ मैसेजेस है रीडिंग में, मे बी कुछ गाइडेंस है, आपकी एनर्जी ने अट्रैक्ट किया है इस रीडिंग को, सो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू एक पोल रखा था जहां पर मैं जानना चाह रही थी कि आपको किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, तो सबसे ज्यादा जो वोट आए थे वो डेस्टिनी रीडिंग को लेके आई थी, इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। बट यस, अगर आपके मन में भी कोई टॉपिक है तो आप जाके उस पोल के कमेंट सेक्शन में अपने रिक्वेस्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए अभी हम बिना देर के आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या पता चलता है, आपकी डेस्टिनी में क्या चीज़ें लिखी हुई है एंड क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, यू हैव सेलेक्टेड दिस कार्ड, फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनिवोलेंस। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से 16 के बीच में। चलिए देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी के बारे में हमें क्या कुछ पता चलता है, पीछे क्या कुछ हुआ, पास्ट में क्या कुछ हुआ और आने वाले टाइम में आपके लाइफ में क्या कुछ देखना है आपको, आपकी भाग्य के द्वारा, आपकी किस्मत के द्वारा। ठीक है, लेट्स सी। एंड यस दोस्तों, जब भी हम डेस्टिनी की रीडिंग करते हैं तो ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आप जो भी कर्म करते हो उसका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी डेस्टिनी को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यानी कि ध्यान रखिए कि कुछ चीजें अगर आप वाकई दिल से चाहते हैं और उसके लिए एफर्ट पुट करते हैं, तो जो भी हायर फोर्सेस है, जिसको आप यूनिवर्स बोलते हो, भगवान बोलते हो, गॉड बोलते हो, अल्लाह बोलते हो, वो आपकी सहायता जरूर करते हैं। आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए और आपके एफर्ट्स होने चाहिए, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। लेट्स सी, कम्युनिटी का कार्ड यहां पर मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, यिन एंड यांग। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। एंजाइटी वर्ल्ड अप्रिसिएशन। ओके, ऑप्शन नंबर 1 मुझे समवेयर यहाँ पे देख रहा है आप लोगों के लिए। हो सकता है इस टाइम पे आप लोग इस तरह के एक इंसान बन चुके हो जो लोगों के ऊपर में या तो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुझे समवेयर दिख रहा है आप लोगों के मन में
ऐसे काफ़ी सारे घटनाएं हुई होंगी, ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे आप लोगों के लिए, जहां पर आपके अपनों से आपको बहुत ज़्यादा चीट मिला होगा। मे बी फॉर सम ऑफ यू ये आपकी कोई लव रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंडशिप की भी बात हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू ये आपके सिबलिंग्स के साथ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके भाई बहन से ही आपको कोई तकलीफ मिली हो, ठीक है, वो छोटी मोटी लड़ाई अलग बात है, बट हो सकता है कोई बड़ी, कोई ऐसा धोखा, कोई चीट, ट्रस्ट तोड़ना कोई फ्रेंड्स के थ्रू, या कोई ऐसे और लोग आपके जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते थे, जिसको आप अपना मानते थे, अपने दोस्त मानते थे, ठीक है, तो उनके साथ हो सकता है आपको काफ़ी चीट मिला है, धोखा मिला है, एंड डेफिनेटली उसके वजह से आप एक बहुत ही बेटर पर्सन में कन्वर्ट हुए हो, इवॉल्व हुए हो, वो चीज़ मुझे दिख रही है। और इस टाइम पे आप काफ़ी एज अ पर्सन काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हो। यहाँ पे कार्ड है फर्स्ट चक्र आर्क एंजल माइकल, तो हो सकता है कि पास्ट के टाइम में ऐसा हो सकता था कि आप लोगों की पहचान नहीं कर पाते थे, किस पे भरोसा करना है, किस पे भरोसा नहीं करना है, आप आँख मूंद के लोगों को मतलब उन पर ट्रस्ट करते थे, उनके अंदर डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर पाते थे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, और बाद में आपको काफ़ी रिग्रेट हुआ है। और इस टाइम पे आप काफ़ी मजबूत हो चुके हो और अभी आप ट्रस्ट करने से पहले 10 बार सोचते हो, वो मुझे दिख रहा है। आपके अंदर काफ़ी हिम्मत आ गई है, आप लोगों को ना बोलना सीख गए हो एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख गए हो, अपने लिए एक्शन लेना सीख गए हो, ठीक है। तो एक यहाँ पे विद द कार्ड ऑफ फर्स्ट चक्र आर्क एंजल माइकल समवेयर मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल इनोसेंट है, जिसे कोई भी कुछ भी बोल के अपने काम को करवा सकता है, वो व्यक्ति अभी ऐसा हो गया है जहाँ पर वो अपने लिए स्टैंड लेता है, जो चीज़ें उसे अच्छी लगती है उसे रखता है, जो चीज़ें दूर उसे बुरी लगती है उसे अपने लाइफ से दूर कर देता है। तो आप अभी फिलहाल बहुत स्ट्रांग हो चुके हो मुझे नज़र आ रहा है। लोगों के बीच में रहते हुए भी आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत कम लोगों से आप अपना कनेक्शन रखते हो, ये चीज़ मुझे समझ यहाँ पे नज़र आती है। लेट मी सी मोर, मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 7 यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। आपका पहला कार्ड नंबर 7 है, मंथ ऑफ जुलाई हो सकता है, यहाँ पर आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 7 मुझे समवेयर दिखा रहा है आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। वुमन होल्डिंग अ कॉइन आया था कार्ड, बट लेट मी सी, ऑल टाइड अप, मैजिशियन एंड द मिरर। सो ऑप्शन नंबर 1, आई कैन सी आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है, मे बी एक काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट आप लोग हो सकते हैं, या बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या फिर आपके अंदर बहुत सारी अच्छी स्किल्स है, ठीक है। बट इस टाइम पे हो सकता है आप ऐसा फील करते हो कि आपके पास इतनी सारी खूबियाँ हैं, बट आपसे जो लोग कम हैं टैलेंट में या बुद्धिमानी में, वो फिर भी आपसे आगे निकल गए हैं और आप कहीं ना कहीं उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए हो, ठीक है। मुझे समवेयर दिख रहा है कि आपके अंदर काफ़ी सारे गुण होना, मेहनत करना, डिज़ायर होना, पैशन होना, सभी कुछ है, बट आप वो सक्सेस अभी नहीं देख पाए हो। मे बी फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अच्छे पैसे अर्न नहीं कर रहे हो, लाइफ में सेटल नहीं हो पाए हो, सेटल इन द सेंस फाइनेंशियल वे में आप लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हो, मजबूर हो, ठीक है, ऐसा नज़र आता है। और वो सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में नहीं कर पा रहे जो आप लोग करना चाहते हैं, मे बी कहीं ट्रैवल करना है, अपना घर बनाना है, एक अच्छी लाइफ जीना है, तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये चीज़ आपको काफ़ी परेशान करती है, बिकॉज डेफिनेटली फाइनेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, और वो चीज़ अभी आपके पास मुझे अच्छी नहीं दिख रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास बहुत सारे टैलेंट है, स्किल है, आप मेहनत करने को भी रेडी हो, बट हो सकता है किसी कारण से अभी आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हो, जैसा कि मैंने पहले कह दिया है। ओके, लेट मी सी कि आपकी डेस्टिनी में क्या चीजें हैं, व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। ऑप्शन नंबर 1, नंबर 22, नंबर 23 या आपसे रिलेट होता हो, या नंबर 4, नंबर 7, नंबर 5 आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है। पूजा पाठ आपको करना काफी पसंद हो सकता है। आपकी किस्मत में क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर 1। पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है, ओ माय गॉड, कैन यू सी, लॉयल्टी, सिंसियरिटी एंड अनकंडीशनल लव। ओके, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा कार्ड है वो, एंड ट्रस्ट, ओके, नाइस। मैजिक कोइंसिडेंस एंड सिंक्रोनिस्टिक इवेंट, नंबर 10 इज हियर। ओके, 10 है और 1 प्लस 9 करेंगे वो भी 10 आएगा। सो
यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही थी ना, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मुझे दिख रहा है जैसे आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ओके? लोग आपको चीट करते हैं, आपके साथ काफ़ी ऐसे सारे इंसिडेंट हुए होंगे जहाँ पर आप लोगों पे भरोसा नहीं कर पाते, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में या फिर आपकी डेस्टिनी में कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आएगा, ठीक है, जो कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिल्कुल उल्टा होगा, ठीक है। वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सिंसियर होगा, आपके प्रति जो प्यार होगा उसके दिल में, जो इमोशन होगा वो बहुत ही सच्चा होगा और बहुत ही लॉयल होगा वो पर्सन, और आप समझ पाओगे कि आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लाइफ में चाहे जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एक ट्रस्ट की भावना आप लोग नहीं क्रिएट कर पाते हो, बट ये दो कार्ड साथ साथ आए हैं। हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आना है जो दोस्त भी हो सकता है आपका, या फिर डॉग की एनर्जी है सो ये आपका दोस्त भी हो सकता है, और ये व्यक्ति आपको सिखाएगा या फिर आपको पता चलेगा कि सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में गिफ्ट के जैसा आएगा और आपको लगेगा कि ये नई एनर्जी है, ठीक है, आप उन पर ट्रस्ट कर पाओगे। वो आपको बार बार ऐसे चीज़ें करके दिखाएगा और आपको लगेगा कि जैसे इस पर भरोसा कर सकते हैं। एंड वी हैव मैजिक कोइंसिडेंस एंड सिंक्रोनिस्टिक इवेंट। मुझे दिख रहा है जैसे आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे आप लोग मैनिफेस्ट करते हो, बुक्स पढ़ते हो, टैरो रीडिंग्स करते हो या देखते हो काफ़ी ज़्यादा, ओके, चाहे जो भी हो सकता है, बट आप किसी न किसी तरह से स्पिरिचुअलिटी से बहुत डीपली कनेक्टेड हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड नंबर 10-10 बहुत ज़्यादा आपको दिखता हो, हो सकता है आपको ड्रीम्स काफ़ी दिखते हो या फिर कुछ ऐसी बातें आपको मे भी नज़र आती है, मे भी दिखती है, जो कि आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकती है, या फिर आपके घर में कोई, आपके घर में आपके माता पिता ने आपके एंसेस्टर्स के बारे में कोई इम्पॉर्टेंट स्टोरी आपको सुनाई हो, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट, जिसका असर आपके ऊपर देखने को मिलता है आपकी पर्सनालिटी पे। ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि आपके घर के ऊपर में या सारे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर में कोई ऐसी पैटर्न है जो चली आ रही है, ठीक है, जैसे कि हो सकता है कोई हेरिडिटरी डिजीज़ हम कह सकते हैं, बट कुछ और भी हो सकता है जो आपके फैमिली मेम्बर्स, सभी फैमिली मेम्बर्स के अंदर वो चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो कोई ऐसी पैटर्न भी हो सकती है जिससे आप भी गुजर रहे हो, वो एक अच्छी पैटर्न भी हो सकती है, वो एक बुरी पैटर्न भी हो सकती है। द कार्ड ऑफ डेथ इज हियर। आप अपने लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे दोस्तों, यहाँ पे फिर से नंबर 10 आया है, ओके। समवेयर ऐसा मुझे दिख रहा है लाइक आप लोग हो सकता है कोई ऐसी चीज़ स्टैब्लिश कर लोगे अपने लाइफ में, उसके बाद हो सकता है वो चीज़ पूरी तरह से किसी वजह से बदल जाएगी। मान लो कि आपने किसी जगह पे अपना घर बना लिया, बट फिर हो सकता है कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बने और फिर आप उस बने बनाए घर को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, फॉरेन कंट्री जा रहे हो या किसी और जगह पे जाके शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है। तो आपके लाइफ में एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी आप देखोगे, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। इंडिपेंडेंस एंड हेल्दी बाउंड्री, द कैट एंड द डॉग, ओके, ये एनर्जी है यहाँ पे, द डॉग एंड द कैट, यहाँ पे येन एंड यांग भी है। सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ऐसा हो सकता है आप लोगों के लिए, आप सभी के साथ तो नहीं होगा बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, बट कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन जिनके साथ आप लोग रिलेशनशिप में रहो, ठीक है, फिर उसके साथ आपकी चीज़ें खत्म हो जाएगी क्योंकि उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा, और वापस से हो सकता है कि आप उस पर्सन के साथ ही कनेक्शन में आ रहे हो, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एंड द कार्ड ऑफ वेल्थ इज हियर। अपने लाइफ में आप वेल्थ बहुत सारा बनाओगे, वेल्थ यहाँ पे फिर से नंबर 7 है दोस्तों। ऐसा हो सकता है कि आपका जो काम होगा ना, आपका जो जॉब होगा, वो समवेयर हो सकता है ऐसा हो कि वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो और उसी से आप पैसे अर्न कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कोई ऐसा शॉप ओपन कर रहे हो या कोई ऐसा बिजनेस है आपका जहाँ पर आप स्पिरिचुअल आइटम से डील करते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, बुक्स हो गए, या कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, लाइक, या फिर आप, ये भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे कोर्सेज सेल कर रहे हो लोगों को, ठीक है, उसके थ्रू भी अर्निंग हो सकती है आप लोगों की। 10th हाउस, योर अचीवमेंट एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। फिर से यहाँ पे नंबर 10 है, आपकी रीडिंग में नंबर 10 और 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है।
ये मुझे यहाँ पे बता रही है कार्ड कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव करोगे जिससे कि लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे, ठीक है। एंड द 12th हाउस, दिस इज द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज ओवरवेलमिंग एंड यू इल टू अ ग्रेट कॉज और पावर। ओके, लेट मी सी। ऑप्शन नंबर वन, आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हो बहुत सोच समझ के आप ट्रस्ट करिएगा, बिकॉज आई कैन से आपके इमोशंस, आपके वो सेंसिटिव साइड या आपकी इनोसेंस का लोगों को फ़ायदा उठाना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। और उसके चलते आप अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसे सिचुएशंस में रहे हो जो कि आप नहीं देखना चाहते थे, ठीक है। लिब्रा का कार्ड है, द एनर्जी इज डिप्लोमैटिक, ग्रेशियस, सीक हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन अगेन, मुझे यहाँ पे बॉटम में 9th हाउस का कार्ड है, इस पे है मैसेज इधर स्पिरिचुअली, एकेडमिकली और ऑन अ लॉन्ग जर्नी। सो हो सकता है आप लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर जाएंगे, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करेंगे, या फिर हो सकता है बहुत सारी रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करना, ये भी हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रही थी आप लोगों के लिए, लिब्रा का कार्ड है, मून का कार्ड है, 12th हाउस है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसके साथ शादी करते हो, आप किसके साथ भरोसा करते हो, ये चीज़ आपको बहुत सोच समझ के करनी है, ठीक है। बिकॉज यस, डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई तो एक ऐसा पर्सन आएगा जो बिल्कुल रेडी रहेगा आपको आपकी तरफ अपना अनकंडीशनल लव ऑफर करने के लिए, ठीक है। बट आपको वो विजडम, वो समझदारी डेवलप करनी होगी कि आप गलत चीज़ों की तरफ ना बढ़े, ठीक है। लेट मी सी व्हाट एल्स आपके लिए और हमें क्या पता चलता है। ऑप्शन नंबर वन की डेस्टिनी में क्या लिखा है, वाओ, जस्टिस, एम्परर, ये दोनों कार्ड मेजर अरकाना कार्ड है, नाइन ऑफ कप्स, वाओ ब्यूटीफुल। आप अपने घर में, आपकी एज चाहे जो भी है, या आप हो सकता है सिबलिंग्स, भाई बहन में छोटे हैं, बट आप अपने घर के एक प्रोवाइडर बनोगे, आप अपने घर का एक स्ट्रांग पिलर बनोगे जो घर को सपोर्ट कर रहा है, जो फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट कर रहा है। एंड कैन यू सी, यहाँ पे अगेन एक डॉग नज़र आ रहा है मुझे जो कि यहाँ पर भी है। तो आप अपने लाइफ में एक ऐसा पर्सन डेफिनेटली उससे मिलोगे जो आपका फ्रेंड होगा, या हो सकता है आपका पार्टनर भी बने, ठीक है। बट वो आपके लिए डिवोटेड होगा, वो आपके लिए अपना सब कुछ निछावर करने को रेडी होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने में, आपको लाइफ में जो भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने में हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है। वो चीज़ मुझे समझ यहाँ पे दिख रही है। और कहीं ना कहीं हम सभी ये विश करते हैं कि आप, हम सभी के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो, चाहे वो दोस्त के रूप में है, चाहे वो भाई बहन के रूप में है, चाहे वो पार्टनर के रूप में है, बट वो आपके लाइफ में हो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो आग बंद करके। तो वो एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आएगा, बट उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा लोगों को देख के, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा इस पर्सन, इस व्यक्ति को देख के, इसकी एक्टिविटीज़ को देख के, ओके। एंड यस, आप लोग, मुझे दिख रहा है एज अ प्रोवाइडर अपनी फैमिली के लिए आगे बढ़ोगे, अपनी फैमिली की सारी ज़रूरतों को पूरा करना, वो चीज़ मुझे दिख रही है। ऑल्सो आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी जहाँ पर लोगों को आप बढ़िया से तौल सकोगे, इन द सेंस कि आप उनको पहचान सकोगे, ठीक है। एक ऐसा समय आ जाएगा जब आपको बिल्कुल सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको बिना देखे या उनकी आवाज़ सुन के या कुछ भी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ऐसा टाइम आएगा जब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन पर्सन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पहचान हो जाएगी, वो मुझे दिखता है। ऑल्सो द एम्परर का कार्ड यहाँ पर है, तो एम्परर का कार्ड समवेयर बता रहा है जैसे उस पोजिशन पर पहुँचना जहाँ पर आप लाइक एम्परर एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पर आपने सभी कुछ हासिल किया है। सभी कुछ कहने का मतलब यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपकी कोई ऐसी मेजर कोई डिज़ायर है, कोई मेजर विश है, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेके हो, चाहे कोई भी ऐसी आपकी इच्छा हो सकती है कि मुझे अपने लाइफ में ये काम तो करना ही है, तो वो चीज़ आप डेफिनेटली करोगे और उसे पूरी मेहनत के साथ करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और आपको एक सुकून रहेगा कि आपने फाइनली वो चीज़ें अचीव करी है, आपने ये बिल्ड किया है, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है मुझे, लेट मी सी व्हाट एल्स।
द फूल का कार्ड है, तो यहाँ पर हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा जर्नी करोगे, बहुत ज्यादा ट्रैवल करोगे, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे नजर आता है आप लोगों की कोई ऐसी विश हो सकती है कि आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री में जाके रहना है, या पढ़ाई करनी है, या घूमना है, कुछ ऐसा है तो आप लोग उस जगह पे जरूर विजिट करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सेवन ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ठीक है, फिर से ये वाला कार्ड आया है। तो ये कार्ड डेफिनेटली बता रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो बहुत ही स्नीकी हो सकते हैं, आपकी बातों को जान के दूसरे लोगों को बताना, इस तरह के लोगों से आपको डील अपने लाइफ में करना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑलरेडी आप लोग ऐसे लोगों से डील कर रहे हो। एंड यस, यहाँ पे थोड़ा आपको हिम्मत दिखाने की जरूरत पड़ेगी, उन लोगों को पहचानने की जरूरत पड़ेगी, और इवेंचुअली आप लोग सीख जाओगे उनके साथ कैसे डील करना है, उनके साथ कैसे। द स्ट्रेंथ कार्ड मुझे समवेयर दिख रहा है, जैसे आप लोग उस चीज से डील करना सीख जाओगे कि कैसे उन लोगों के साथ डील करते हैं जो उतने ऑनेस्ट नहीं होते हैं, जो स्नीकी होते हैं, जो बहुत ही बेईमान होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ आप लोग इवेंचुअली डील करना सीख जाओगे उनको। लाइक यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो इस लायन को टेम किया है इस विच ने, ठीक है, जो कि आपको इस कार्ड पे नजर आ रही है। तो इसका मतलब यही है, लाइक आप लोग इस तरह के लोगों से कैसे डील करना है वो आपके लाइफ में, इस लाइफ टाइम में सीख जाओगे, ठीक है। लेट मी सी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या मैसेज है, व्हाट यू नीड टू नो। सो यहाँ पे दो कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं, डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट वॉट यू डिजायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, ठीक है। आपको अपना इंटेंशन यानी कि आपको जो भी अपने लाइफ में अचीव करना है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपको अपना गोल सेट करना है, ठीक है, बहुत ही क्लियर वे में कि मुझे पर्टिकुलरली ये चीज़ चाहिए, ये मेरा गोल है, मुझे ये काम करना है, तो वो चीज़ें हैं और उसके ऊपर आपको अपना फोकस रखना है, ठीक है। जैसे आज सोचा कि मैंने ये करना है, कल आपने उसको चेंज कर दिया, परसों कुछ और, तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। हो सकता है कि आप कुछ करने निकले हो, वहां पर आपको फेलियर देखने को मिला है, तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है उसके ऊपर फोकस रखने की जरूरत है। ऑल्सो यहाँ पे कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए, ग्रीन माँ तारा एंड सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड है, आपको हमेशा ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कॉर्ड्स आर बीइंग कट। यहाँ पे हो सकता है आप अपने लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लोगों के साथ डील करोगे या कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं आपके दोस्त के रूप में आएंगे, आपके कलीग्स के रूप में आएंगे, एंड आपको लगेगा जैसे ये लोग आपको हानि पहुंचा सकते हैं, या पीठ पीछे आपके वार कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को ले रहे हैं, आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, बट आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कॉर्ड्स आर बीइंग कट, आपके कर्मास क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। उस तरह के लोगों के साथ मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट, यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हो, ओके, आपका कोई भी कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली आपको थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय के साथ आप उनके साथ डील करना सीख जाओगे, साथ ही साथ वो आपका कुछ भी हानि नहीं कर पाएंगे, ओके। अनदर थिंग इज दैट कि आपकी पोजिशन काफ़ी अच्छी होगी, एंड यहाँ पर आया था आपके लिए वेल्थ का कार्ड। सो ये कार्ड समवेयर बता रहा है कि आप अपने लाइफ में वेल्थ अर्न करोगे, हो सकता है प्रेजेंट टाइम में जब रीडिंग सुन रहे तो उतनी अच्छी आपकी इनकम नहीं है, वेल्थ आपके पास नहीं है या फिर कम है, तो आप अपने लाइफ में वेल्थ अर्न करोगे। एंड एज आई सेड नंबर सेवन है, तो हो सकता है कोई ऐसा काम जो लोगों की सेवा, भगवान की सेवा, स्पिरिचुअलिटी, उससे रिलेटेड हो, तो वैसे भी आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए मुझे यहाँ पे मैसेजेस दिखे हैं, ऑप्शन नंबर वन। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा जरूर, और हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर टू, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है, ये आपकी रीडिंग है और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपकी डेस्टिनी के बारे में, ठीक है, आपके भाग्य, आपकी किस्मत में क्या कुछ आपको देखना है, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्या किस तरह के लोग आपके लाइफ में आएंगे, एंड क्या चीज़ें हमें पता चलती है इस रीडिंग के दौरान आपके डेस्टिनी से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, और आपकी गाइडेंस क्या आती है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर,
वाटर साइन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो आप लोग हो सकते हैं। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज का यहाँ पे कार्ड है एंड पेशेंस का कार्ड यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए या किसी के लिए, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लाइक आप लोग अपने घर में छोटे हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो अपीयरेंस है आप लोगों के सामने बहुत ही छोटे नज़र आते हो, अपने उम्र से कम नज़र आते हो, ठीक है, या फिर आप इस रीडिंग को जब सुन रहे हो तो आपकी उम्र काफ़ी छोटी हो सकती है, लाइक 22, 24 ऐसे हो सकती है, ठीक है। आप लोग अक्वेरियस हैं, पाइसिस आप लोग हो सकते हैं, गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, मून इज हियर एंड डोर टू वैल्यू। सो ऑप्शन नंबर टू आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो इस तरह की है कि आप लोग जैसे रेगिस्तान में भी पानी ढूंढ लेना, ठीक है, मतलब बहुत होपफुल। और मान लो कि सभी लोग किसी चीज़ के बारे में ना बोल रहे हैं बट आप उसके अंदर पोटेंशियल देख लेते हो, ठीक है, यानी कि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है और आप उसकी सुनते हो, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे समवेयर दिख रही है कि लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि कुछ लोगों ने आपको बोला हो कि ये काम मत करो, गलत है, गलत नहीं मतलब आपको हो सकता है उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी बट आपने उस चीज़ को किया क्योंकि आपकी मन के अंदर से आवाज़ आ रही थी कि ये सही है, ये काम बन जाएगा, और आपने अल्टीमेटली उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाया और फिर आपको वहाँ पे सक्सेस मिली, फिर लोगों ने भी आपको अप्रिशिएट किया, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, आपको पता है कब क्या बोलना है, कब किस तरह का एक्शन लेना है, कब इंतज़ार करना है और कब सही पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है, ये सभी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके अंदर एक डिप्लोमेट की एनर्जी है, ओके, आप सिचुएशन को संभाल लेते हैं। आपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे टाइम भी देखे हैं जब बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को मिली थी, लाइक फाइनेंसेस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, पढ़ाई हो सकता है आपकी काफ़ी मुसीबत के साथ हुई, ठीक है, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो हो सकता है पेरेंट्स काफ़ी सफ़र कर रहे थे, आपके घर में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मदर को काफ़ी हेल्थ इश्यूज रहती थी या हो सकता है करेंटली है, ठीक है, जिसको लेके आप लोग काफ़ी परेशान रहते हो, आप लोग विश कर रहे हो कि आपकी मदर की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपके अंदर ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है, डिप्रेशन हो सकती है, एनजाइटी हो सकती है और कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर बहुत पैसे खर्च करना, वो चीज़ मुझे दिख रही है, लाइक कोई किसी को बहुत सेहत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर पैसे काफ़ी खर्च हो रहे हैं ताकि उसकी सेहत अच्छी हो जाए, ये आप भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके घर में आपकी मदर की तबीयत खराब है तो, या फिर आपकी लाइफ में कभी ऐसा टाइम रहा था जब आपकी मदर की तबीयत खराब थी और उस टाइम पे आपको या फिर आपकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े थे ताकि आपकी मदर की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड सर डोर टू वैल्यू का यहाँ पे कार्ड है दोस्तों, तो आप जितना आप पे भरोसा करते हो कि मुझे अपनी सुननी है, अपने तरीके से काम करना है, उतना ज़्यादा आप सही रास्ते पे पहुँचते हो, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आप सही डिसीजन लेने में माहिर हो, आप जब एक्शन लेना है कब एक्शन नहीं लेना है ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। इसका कारण मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप बहुत ही शांत प्रवृत्ति के इंसान हो, ठीक है, आपके अंदर एक शांति है, या हो सकता है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो बहुत शांत दिमाग से लेते हो, आपका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा शीतलता प्रदान करता है लोगों को, यानी कि लोग आपके पास जब भी आते हैं आपकी बोली आपका व्यवहार उनको बहुत ही ज़्यादा शांति देता है, आपके साथ बैठना लोगों को पसंद है, ओके, मुझे दिख रहा है आप लोग अपने घर में बहुत सारा पेड़ लगाना पसंद करते हो या फिर बहुत ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट होना पसंद करते हो, आपको कोल्ड कलर पसंद है लाइक ब्लू वाइट ग्रीन इस तरीके से, एंड हो सकता है कि आप अपने घर में बहुत लाइट्स पसंद नहीं करते हो, ठीक है, आप बहुत डीम लाइट में रहना पसंद करते हो, मतलब शांति ठंडक इस तरीके की एनर्जी मुझे मून से आ रही है, ओके। एंड आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया है वहाँ पर भी यहाँ पे सनत कुमार है जो कि वाइट कलर के ड्रेस में है एंड ये भी एक प्योरिटी को नज़र आ रहा है, यहाँ पर लाइट भी है, लिखा हुआ भी है लाइट एक्टिवेशन, ओके, यस, और यहाँ पे मैसेज है योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर, ओके, यस, तो आप लोग हो सकता है कैंसेरियन है, ऑल्सो मुझे दिखता है कि आपके अंदर की जो गाइडेंस है ना दोस्तों वो बहुत स्ट्रांग रहती है, आपको पता रहता है कि आपको क्या करना है किस टाइम पे क्या नहीं करना है और उसके चलते आप बहुत सारे लॉसेस जहाँ पे हो सकते थे, जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आप लोग मिस कर सकते थे बट आपने अपनी मन की सुनी, किसी और की नहीं सुनी और वहाँ पर आपने देखा कि आप
उस सिचुएशन में जीत गए और आपका काफ़ी फायदा हुआ है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है बिकॉज आपकी इंटरनल गाइडेंस बहुत अच्छी रहती है, बहुत क्लियर रहती है और आप उसे फॉलो भी करते हो। सो लेट मी सी आपकी डेस्टिनी में क्या चीज़ें हैं आने वाले टाइम में, या फिर आपकी किस्मत के द्वारा आपको क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। लेट मी सी, द कार्ड ऑफ क्वीन इज हियर। ओके, वुमेन, फर्टिलिटी, फेमिनिन पावर, सेक्सुअलिटी एंड फ्रेंडशिप, नंबर 4 का कार्ड है। मून है यहाँ पर, मदर या फिर कोई फीमेल फिगर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट नजर आ रही है। ऑल्सो ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में आप अपनी फेमिनिन एनर्जीज को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट पाओगे, ठीक है। आपको लगेगा जैसे आप की जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल के आ रही है, लाइक बहुत सेंसिटिव हो जाना, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट नेचर को बाहर दिखाना एंड इमोशनल होना, इस तरह की एनर्जी आप लोग घुसता आने वाले टाइम में देखोगे। लेट मी सी मोर, क्लीनिंग हाउस के परसेप्शन, व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी, फॉर दैट वी हैव क्वीन, फ्रॉग एंड परसेप्शन। सो ऑप्शन नंबर 2, समहाउ आई कैन सी कि आप लोग अपने लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ें हैं, जैसे किसी ने, वो किसी कौन हो सकता है, समाज हो सकता है, लोग हो सकते हैं, घर के परिवार हो सकते हैं, जिनकी कुछ धारणाएं हैं रिलेटेड टू समवन। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सेम जेंडर रिलेशनशिप चाहते हैं अपने लाइफ में, बट ऑब्वियसली सोसाइटी में इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ को लेके। और ऐसा हो सकता है कि आप लोग कोई पर्टिकुलर काम करना चाहते हो बट वो आपकी सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एक टैबू हो सकता है। बट मुझे दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जिससे कि वो चीज़ें, उस चीज़ का नज़रिया लोगों का बदलेगा जो कि फ़िलहाल उस चीज़ के बारे में गलत सोचते हैं, लाइक सेम जेंडर रिलेशनशिप हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है दोस्तों, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़, समाज की कोई धारणा, कोई नियम या कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप सेट करोगे और लोगों को समझ में आएगा दैट ये चीज़ें भी हो सकती है आप लाइफ में, ठीक है, और वो कोई गलत चीज़ नहीं है। वी हैव द कार्ड ऑफ द क्वीन, तो क्वीन एक काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी को दिखा रहा है एंड यस डेफिनेटली यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोगों की धारणाएं बदले, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट काम अपने लाइफ में आप कर रहे हो, कोई एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, ठीक है। एंड यस चाइल्ड अडॉप्शन को लेके, या फिर हो सकता है आप कोई अपने लाइफ में ऑर्फिनेज खोल रहे हो, बच्चों के लिए स्कूल खोल रहे हो, ठीक है, बट कुछ ना कुछ ऐसा करना जो लोगों को अच्छा नहीं लगता बट वो काम अच्छा है, ठीक है। द वुंडेड ह्यूमन ईगो, यस आपका काम कुछ ऐसा रहेगा जो लोगों की भलाई के लिए तो है बट डेफिनेटली कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को लगेगा कि आप समाज की कुछ नियम तोड़ रहे हो, भले ही वो इंसानियत के खिलाफ है बट वो नियम है पुराने टाइम से तो उसको फॉलो करना है। ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसे नियम होते हैं बट आपको लगेगा कि इसको बदलना है और आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा उस चीज़ को बदलने में। ओके, म्यूजिक, पोएट्री, मिथ, हिस्ट्री, द एन्चेंटमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग, नॉलेज एंड हीलिंग, यस हो सकता है थ्रू योर नॉलेज, आप अपने नॉलेज के थ्रू लोगों में ज्ञान बांटना, किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाना, कोई पुरानी ऐसी रीति रिवाज जो बहुत ही ज़्यादा अभी के टाइम के लिए सही नहीं है उसको आप बदलोगे, ठीक है। एंड यस उसके चलते कुछ लोगों को बुरा लगेगा बट ये है यहाँ पे कार्ड, क्लीनिंग हाउस, उस चीज़ को दूर करना ज़रूरी है। कहाँ से दूर करना ज़रूरी है, तो मे बी आपके घर से दूर करना ज़रूरी है या सोसाइटी से या लोगों के दिमाग से, बट वो चीज़ आप करोगे और इवेंचुअली लोगों को समझ में आएगा कि लाइफ को इस तरीके से भी जीना चाहिए, ठीक है। तो ये है, आई होप कि आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं बताने की कोशिश करूँगी। बट यस कहना यही है कि कोई ऐसी पुरानी धारणा है उसको बदलने की आप कोशिश करोगे, ठीक है। अब वो मैंने कहा यहाँ पे मैरिज को लेके हो सकती है, सेम जेंडर को लेके हो सकती है, ठीक है, और कुछ ऐसे लोग जो सोसाइटी में, जिन लोगों को काम करने के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिए जाते हैं बिकॉज वो किसी पर्टिकुलर जेंडर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, देर इज़ समथिंग लाइक दैट, उस तरह के कुछ यहाँ पे काम आप करोगे, एक एग्जाम्पल सेट करना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड द कार्ड ऑफ मूवमेंट एंड वेल्थ, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो अच्छी रहेगी एंड हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप किसी आर्कियोलॉजिकल साइट से रिलेटेड काम कर रहे हो, ओके, लाइक हिस्ट्री से रिलेटेड, किसी मॉन्यूमेंट्स, ठीक है,
आप कोई आर्किटेक्ट या सॉरी आर्कियोलॉजिस्ट आप लोग हो सकते हो, नॉट आर्किटेक्ट, या हो सकता है आप लोग आर्किटेक्ट हो एंड आर्कियोलॉजिस्ट भी यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है, ये आपका काम हो सकता है। वाओ, कैन यू सी, यहाँ पे सर्पेंट है, हीलिंग का कार्ड है, और यहाँ पर भी मैसेज है, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडी। हो सकता है आप लोग आगे चल के कुछ ऐसी तकनीक सीखोगे जो लोगों को हील करती है। ओके, एंड यस, आपका काम जो होगा ना वो कुछ समुदाय के लोगों को, कुछ कम्युनिटी ऑफ, किसी कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, बट कुछ लोगों को वो चीज़ें काफ़ी नागवार गुजरेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड हो सकता है कि आप बच्चों को पढ़ाना हो, किसी की मदद करना हो, ठीक है, वो चीज़ें आप करोगे, और लोगों को हील करना, नॉलेज बांटना, आप में से कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हैं, किसी न किसी तरह के हीलर हो सकते हैं, या एक टीचर हो सकते हैं। ओके, द एनर्जी अराउंड यू सोज द अबंडेंस ऑफ नेचर, इट इज़ रिच, अर्थी, प्रोडक्टिव येट रिलैक्स्ड एंड स्लो। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अर्न किया, आपने जो भी कमाया, ठीक है, उसको लेके आप प्राउड ही नहीं फील कर रहे, समझ, आपके अंदर एक एम्पैथी रहेगी और एक शेयरिंग नेचर रहेगा, लोगों की भलाई करना, ठीक है। दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशन। एंड समवेयर मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को सफ़र करते हुए देखा है, कि किसी के पास पैसे नहीं होते या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती या स्कूल नहीं जाते, तो फिर उनका लाइफ बहुत ही बुरी तरीके से बीतता है, तो उनकी मदद करने की आप कोशिश करोगे, अपने रिसोर्सेज को शेयर करने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, लेट मी सी फ्रॉम द टैरो कार्ड्स क्या मैसेजेस है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, आई कैन सी कि आप लोगों के साथ फाइट कर रहे हो, ठीक है, और फाइट अपने लिए नहीं कर रहे हैं, किसी की मदद करने के लिए कर रहे हैं। बहुत हिम्मती किस्म के इंसान आप लोग हो सकते हैं, आपका जहाँ मतलब नहीं है फिर भी आप उनके लिए एक्शन ले रहे हो, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो हेल्पलेस है, ओके, एंड आप उनके लिए फाइट कर रहे हो, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हो। यस, 3 of Wands इज हियर एंड किंग ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने लाइफ में कोई प्राइवेट काम करोगे, कोई वर्क फ्रॉम होम, या कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज, या कोई होम इंडस्ट्री, ठीक है, उस तरह की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी आप लोग कर सकते हो, रिलेटेड टू डेयरी प्रोडक्ट्स, केक से रिलेटेड आपका खुद का कोई बेकरी हो सकता है, या आप लोग कोई फैशन डिज़ाइनर हो सकते हो, ठीक है, तो आपका खुद का कोई काम भी आप लोग कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखता है। 2 of Pentacles एंड द फूल, आप बहुत मनमौजी किस्म के रहोगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है, आप अपनी शर्तों पे लाइफ को जीना ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे 7 of Wands का कार्ड है, लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम इस तरीके से अपने लाइफ को जी रहे हो, तुम्हें ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट आप उन पाबंदियों को मानने वाले नहीं हैं, आप बहुत ही फ्रीडम लविंग पर्सन रहेंगे एंड बुरे नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल भी बुरे नज़र नहीं आ रहे मुझे, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत हिम्मती किस्म के हैं, और जो चीज़ें आपको गलत लगती है उसके प्रति आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ओके, एंड द कार्ड ऑफ 7 of Cups इज हियर। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, आप लोग अपने लाइफ में बहुत पैसे खर्च करने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद हो सकती है, कभी आपका मन करेगा ये चीज़ें ले, कभी वो चीज़ें ले, सो अपने लाइफ में आप पैसों को लेके हो सकता है बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, आप लोग खर्चीले पर्सन हो सकते हैं। एंड यहाँ पे है 5 of Wands, 5 of Wands इज हियर, द मजिशियन। द स्टार, सो यहाँ पे कार्ड आ रहा है 5 of Wands का। यू कैन सी यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं, बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर मजिशियन है जो कि अपने काम में फोकस्ड है, अपने काम को कर रहा है, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करोगे जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होगी, और ये मैसेज बार बार यहाँ पे निकल के आ रहा है। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा काम करना, समाज में, सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आप मदद कर रहे हो, और वो चीज़ कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है, फॉर एग्जांपल स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए कुछ करना, ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स जिनको लोगों ने छोड़ दिया है,
उनको अडॉप्ट करना, कुछ ऐसे काम आप कर रहे हो, लाइक दिस इज द कार्ड ऑफ स्टार, तो स्टार मुझे यहाँ पे दिख रहा है एज अ हीलर, या किसी की फरिश्ते बन के, एंजल बन के आप जा रहे हो उनकी मदद करने के लिए, ये मुझे दिखता है. सो लेट मी सी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है. ऑप्शन नंबर 2, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू. लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड डीप इनसाइट आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियल्म. आई कैन सी ऑप्शन नंबर 2, आप अपने लाइफ टाइम में ऐसा देखोगे कि आपकी मन की आवाज अचानक से कुछ बोल उठेगी और आपको लगेगा कोई डाउनलोड है, यानी कि हो सकता है यूनिवर्सल पावर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कोई गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए इस टाइम पे या नहीं करनी चाहिए. वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बार बार बताई जाएगी, आपको एक गाइडेंस हमेशा मिलती रहेगी और उसके प्रति आप लोग अवेयर रहोगे कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ बार बार बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, कुछ तो अलग हो रहा है, ऐसा कुछ आप लोग महसूस करोगे अपने लाइफ टाइम में. कार्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी. सो आई कैन सी विद दिस कार्ड कार्मा रिलीजिंग, यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक अकाउंट्स है जिसको आप लोग रिलीज करोगे एंड मूव बियॉन्ड ड्रामा. कुछ जो भी ड्रामा आपके लाइफ में चल रहा है, कुछ लोग परेशान कर रहे, तो उनसे कहीं ना कहीं आप अपना रास्ता काट लोगे, अलग हो जाओगे और अपने लाइफ में जो भी अच्छे लोग हैं जिसकी एनर्जीज आपको पसंद है उनको रखना पसंद करोगे. और यस, यहाँ पे हो सकता है आप बहुत सारे लोगों की इंटरफेरेंस हो सकती है, इन द सेंस कि आप कुछ कर रहे हो, लोगों की रोक टोक हो रही है. योर ड्रीम विजन एंड गोल्स हैव बिकम रियलिटी, स्टे फोकस्ड. और आपको कहा जा रहा है मैजिक मैनिफेस्टिंग समवेयर, आपका कनेक्शन हो सकता है, आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो यूनिवर्सल फोर्सेस से, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे दिल से, जो भी आपकी इच्छा होगी वो पूरी होगी. ओके, सो ये आपकी रीडिंग है, यहाँ पे खत्म हुई आपकी रीडिंग ऑप्शन नंबर 2. आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है एंड मुझे बताइएगा जरूर. और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.